आखिर क्या कहना है शेखर सुमन का इस बिग बॉस सीजन 16 के बारे में, आखिर क्या ट्वीट किया है शेखर सुमन ने, आई देते हैं इस बारे में आपको पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम है गणेश कांदू। बिग बॉस एक ऐसा घर जहां पर ट्विस्ट एंड टर्न कभी भी हो सकते हैं, और जिस तरीके से बिग बॉस सीजन 16 चल रहा है उस हिसाब से तो अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस सीजन एलिमिनेशन और वोटिंग वो सब भी बिग बॉस ही कर लेंगे, क्योंकि इस सीजन जो है आधे से ज़्यादा समय वोटिंग लाइंस बंद ही थी, और जिस तरीके से इस सीज़न एलिमिनेशन हुए हैं, नॉमिनेशन हुए हैं, वो सब बिग बॉस ने ही किए हैं। ऑलमोस्ट एलिमिनेशन वाली बात करें तो सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट या दो ही कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो बिग बॉस के अलावा जो है फैंस की वोटिंग के हिसाब से घर से बाहर गए हैं, वरना तो सारे कंटेस्टेंट्स जो हैं वो घर के कंटेस्टेंट्स के वोट आउट के हिसाब से या फिर बिग बॉस के हिसाब से घर से बाहर हुए हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी कंटेस्टेंट थे जो एक्चुअली में घर में रहना ज़्यादा डिजर्व करते थे और अभी अभी उनका गेम खुल जाना शुरू हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ अंकित की, जो एक्चुअली में इस बिग बॉस के घर में रहना काफ़ी ज़्यादा डिजर्व करते थे, और जिस तरीके से अभी वो खेल रहे थे उनका गेम ऑलमोस्ट खुल चुका था। और इस बारे में तो शायद शेखर सुमन ने भी अपने ट्विटर पर एक सफाई दी कि अब बिग बॉस का घर है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। होप्स हो कि क्या अंकित वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी एक सवाल है। और साथ ही साथ जिस तरीके से श्रीजिता, टीना और विकास मनकतरा जो वाइल्ड कार्ड हैं और जिस तरीके से ये अपना गेम दिखा रहे हैं वो भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन अब देखना ये कि टीना और विकास जो है और श्रीजिता, ये तीनों अभी फिलहाल नॉमिनेशन वाले लिस्ट में, तो देखना ये कि इस हफ्ते एलिमिनेशन होगा या नहीं होगा, या अगर एलिमिनेशन होगा तो कौन जाएगा घर के बाहर। और ये भी खबर आ रही है कि दो वाइल्ड कार्ड बिग बॉस के घर में आने वाले हैं, तो अब देखना ये कि वाइल्ड कार्ड नए वाइल्ड कार्ड्स होंगे या फिर जो पहले एलिमिनेट हुए थे उन्हीं कंटेस्टेंट्स को दोबारा से लाया जाएगा। और बात करें शेखर सुमन की, तो उनका एक सेगमेंट आता है ऑन संडेज बिग बुलेटिन विद सुमन। तो शेखर सुमन ने ट्वीट किया है, मैं पहले आपको ट्वीट दिखाता हूँ फिर आपके लिए ट्वीट पढ़ दूंगा और उसमें जनता क्या रिप्लाई करी वो भी पढ़ेंगे। तो पहले आप ट्वीट देख लो। इस ट्वीट में शेखर सुमन लिखते हैं कि न्यू ईयर इज ऑन इट्स वे, व्हाट इज दैट वन थिंग यू वांट चेंज्ड इन बिग बॉस हाउस। इस पर किसी ने रिप्लाई किया है कि प्रियंका को प्रियंकित बना दो, प्रियंका को उसका अंकी वापस ला दो, ऑडियंस वॉन्ट्स अंकित बैक। फिर किसी ने लिखा है सर अंकित ने भी बोल दिया कि मैं बिग बॉस हाउस जाना चाहता हूं तो अंकित को जाना चाहिए सर, ऑडियंस वॉन्ट्स अंकित बैक। फिर किसी ने लिखा है वॉन्ट अंकित गुप्ता बैक इन द हाउस एंड ब्रेक फ्रॉम मोनोटोनस मंडली पैटर्न, वॉन्ट टू सी अ टास्क और सिचुएशन और अ डिसीजन वेयर वी कैन सी इफ द गेम इज बेस्ड फॉर वन सेल्फ एज सोलो प्लेयर्स ओनली हाउ एवरीवन प्लेस। फिर किसी ने लिखा है आई विश बिग बॉस पार्शियली चेंजेस टूवर्ड्स मंडली, आई विश बिग बॉस स्टार्ट प्लेइंग न्यूट्रल, आई विश बिग बॉस स्टार्ट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, आई विश अंकित कुड कम बैक टू द बिग बॉस। और ऑलमोस्ट जितने भी सारे ट्वीट है वो सब इसी बारे में कि प्लीज ब्रिंग अंकित बैक, अंकित जो है उनको वापस से आना चाहिए, अंकित को बुलाओ दोबारा से। इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर। और इसी तरह की बिग बॉस की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और गॉसिप्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।